मोदी की रैली और रोड शो से कर्नाटक में बदल रहा माहौल, बीजेपी की जगी उम्मीद है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले जो भी ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, लगभग सभी में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और रोड शो में उमड़ी भीड़ से काफी उत्साहित है। पीएम मोदी की लोकप्रियता का अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं कि बेलगावी जिले में बेलहोंगल की ओर जाने वाले NH का 2 किलोमीटर का हिस्सा वाहनों से भर गया था। अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग सड़क के किनारे खेतों में खड़े होकर इंतजार किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी बेलहोंगल में एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इसके आसपास 8 विधानसभा सीटें आती हैं। बेलहोंगल और बेलगावी के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों ने उनकी एक झलक पाने के लिए बसों का घंटों इंतजार किया। पीएम मोदी की रैली में शामिल होने के लिए कोई 10वीं बार पहुंचा था तो किसी ने एक दिन की छुट्टी ली थी। आपको बता दें कि बेलगावी के 18 विधानसभा सीटों में से 11 पर भाजपा का कब्जा है। इसके अलावा कर्नाटक के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित यह जिला भगवा पार्टी का गढ़ रहा है। हालांकि स्थानीय उम्मीदवारों और बागियों की लोकप्रियता भाजपा को परेशान कर रही है। आज भी रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री। कर्नाटक में भगवा पार्टी के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री की रैलियों से भाजपा प्रचार जोर पकड़ रहा है। 29 अप्रैल के बाद से पीएम मोदी ने राज्य में 13 जनसभाएं और रोड शो किए हैं। वह आज भी बेंगलुरु में रोड शो करेंगे जो कि काफी लंबा होगा। पीएम मोदी ने 2018 की तुलना में अधिक जनसभाएं कर रहे हैं। उनके कई भाषणों का हिंदी से कन्नड़ में अनुवाद किया जा रहा है। पीएम मोदी खुद भी मुख्य संदेश देने के लिए कन्नड़ में बोलते दिखेंगे।